अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आप लोगों के साथ मीनाल खान के बेबी शावर की ऑफिशियल वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोग ऐसी वीडियो से बर वक्त आगाह होते रहें। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मीनाल खान के बेबी शावर की कंप्लीट वीडियो और फोटोशूट शेयर करूँगी। और आप लोगों को बताती चलूँ कि मीनाल खान ने बहुत ही कम लोगों को अपने बेबी शावर में इनवाइट किया, जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रही हैं और पिक्चर में। तो क्लोज़ फ्रेंड थी मीनाल खान की, और एक कज़न थी, और एक उनकी होने वाली भाभी थी। इसके अलावा मीनाल खान ने किसी को इन्वाइट नहीं किया। और यहाँ पर आप लोगों को सबूर अली और किंजा हाशमी नज़र नहीं आएंगी, वो भी मीनाल खान की बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो आप लोगों के इंस्टाग्राम पर मुझसे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने इनका कंप्लीट फ़ोटोशूट अपने इंस्टाग्राम पर सबसे पहले शेयर कर दिया था। तो किंजा हाशमी और सबूर अली के सब फैंस जानना चाह रहे थे कि उनको इन्वाइट क्यों नहीं किया गया। तो आप लोगों को बताती चलूँ कि दोनों को इन्वाइट किया गया था, लेकिन दोनों इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हैं, कराची में मौजूद नहीं थी, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि मीनाल खान और रहमान खान आप दोनों को कैसी लगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मीनाल खान कितनी ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं, और इस टाइम एमन खान भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और अगर आप लोग एमन खान की जो डाइट प्लान चल रहा है देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो किस तरह से अब खुद का वेट लॉस करेंगी, तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमन खान की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी पर भी उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और उसके बाद उन्होंने कम किया था। तो इस वजह से अभी अभी एमन खान का भी बेबी हुआ है, इस वजह से वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एमन खान का डाइट प्लान जो भी चल रहा है। तो मीनाल खान और एमन खान दोनों बहनों की लुक आप लोगों को कैसी लगी, दो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।